दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट वहां पे लॉगिन नहीं हो रहा है, आप उसकी लॉगिन डिटेल भूल चुके हैं, उसका पासवर्ड भूल गए, या फिर आपने किसी कारण से इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया था, अब आप उसे लॉगिन कर रहे हैं तो वो लॉगिन नहीं हो रहा, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अपने किसी अकाउंट को लॉगिन करते टाइम आपको लॉगिन से रिलेटेड किसी भी तरह का एरर शो हो रहा है, ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और आप अपने इंस्टाग्राम को आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम की लॉगिन प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपके इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में आपने अगर कोई दूसरा अकाउंट यहाँ पे लॉग इन करके रखा है तो आपको सबसे पहले तो अपने सभी अकाउंट को इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन से कर देना है लॉग आउट। अब लॉग आउट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करना है। आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे बॉटम पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करके सबसे पहले अपने लॉगिन पेज पे आ जाना है। अब लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की साइड यूजर नेम डालना होता है, यहाँ पे अपना पासवर्ड, उसके बाद आप लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे डिटेल डाल रहे होंगे तो आपको किसी तरह का एरर शो हो रहा होगा, आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा होगा, इसलिए आपको यहाँ पे ना तो यूजर नेम डालना है ना आपको पासवर्ड डालना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है फॉरगेट योर लॉगिन डिटेल, आपको इस पे यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दी जाती है और ऊपर लिखा हुआ फाइंड योर अकाउंट, यानी कि यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को सर्च करना है, यानी कि फाउंड करना है। तो फाइंड किस तरह से करेंगे, तो अगर आपको अपने उस इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम याद है जो कि लॉगिन नहीं हो रहा तो उसका यूजर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपको यूजर नेम याद नहीं है तो आपको वो मोबाइल नंबर तो याद होगा जिससे आपने वो अकाउंट क्रिएट किया था, तो आप वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। या फिर आपने अपने उस इंस्टाग्राम अकाउंट में जो भी जीमेल ऐड करके रखा था वो जीमेल अगर आपको याद है तो आप उसको भी टाइप कर सकते हैं। तो इन तीनों में से एक चीज तो आपको जरूर याद होगी, तो आपको इनमें से जो भी चीज याद है वो आपको टाइप कर देना। तो मेरा यूजर नेम मुझे याद था तो मैंने यूजर नेम यहाँ पे टाइप कर दिया। इस तरह से आपको अपना यूजर नेम टाइप करना है या फिर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका अकाउंट दिखा दिया जाएगा, आप उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऊपर आपका प्रोफाइल पिक्चर और यूजर नेम देखने को मिलेगा। अब नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, गेट कोड और लिंक विया ईमेल, इसके बाद मिलेगा गेट कोड और लिंक विया एसएमएस और एक आपको मिलेगा एंटर पासवर्ड टू लॉगिन। तो हमारे काम के यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला एक ईमेल वाला और एक एसएमएस वाला। तो अगर आपने अपने इंस्टाग्राम की आईडी में कोई ईमेल ऐड कर रखा था उस ईमेल पे आप यहाँ पे ओटीपी यानी कि कोड मंगाना चाहते हैं तो आप ईमेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी मोबाइल नंबर के थ्रू इंस्टाग्राम अपना क्रिएट किया था उस मोबाइल नंबर पे एसएमएस के माध्यम से आप कोड यानी कि वेरिफिकेशन कोड मंगाना चाहते हैं, ओटीपी मंगाना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी इंस्टाग्राम की तरफ से। तो इसी तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना और नीचे कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, अगर आपने अपना ईमेल सिलेक्ट किया होगा तो आपके ईमेल पर ओटीपी आएगी, तो आपको ईमेल को ओपन करके वहां से कॉपी कर लेना है। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कोड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको ओटीपी एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ओटीपी आ चुकी है, मैंने यहाँ पे उसको एंटर भी कर दिया। इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे टैप कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा कि आप ही इस इंस्टाग्राम अकाउंट के ओनर हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम की तरफ से क्रिएट एंड न्यू पासवर्ड का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो जो भी पासवर्ड आपको क्रिएट करना है यहाँ पे आपको एंटर करना और कंटिन्यू पे टैप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया, यानी कि टाइप कर दिया, और चलिए मैं कंटिन्यू पे टैप कर देता हूँ। कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिंग हो चुका है, हमें यहाँ पे किसी भी तरह का लॉगिंग एरर देखने को नहीं मिला, हमें यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई और एक क्लिक में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे वापस रिकवर हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों अगर इंस्टाग्राम को लॉगिन करते में आपको भी किसी तरह का एरर शो रहा, आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस रिकवर कर सकते हैं, उसको आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया था तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको डिलीट
डिलीट किए हुए, यानी कि इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट किए आपको अभी 30 दिन से कम हुआ है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने डिलीटेड अकाउंट को भी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अकाउंट डिलीट किए हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट यहाँ पे रिकवर नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों इंस्टाग्राम में आप अपनी लॉगिन प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।